लोग, हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अमृत चौधरी। और आज मैं आपके लिए आज की पावर टेक टेक न्यूज लाया हूँ। सो ज्यादा देरी नहीं करते, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले न्यूज की बात करूँ तो BSNL ने अपना एक राखी प्रीपेड प्लान एक ऑफर लॉन्च किया है, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉल्स प्लस 1 GB डेटा 5 days के लिए ₹74 में मिलता है। और एक यानी कि ₹74 में आपको 1 GB डेटा पर डे यानी 5 दिन के लिए और प्लस अनलिमिटेड कॉल्स। और आपको 666 में आपको 2 GB डेटा पर डे के लिए 30-60 days के लिए मिलता है प्लस अनलिमिटेड कॉल्स। तो भाई साहब, कौन सा प्लान है यार, कौन सा प्लान? यहाँ पे चलता नहीं है, कहीं चलता नहीं था BSNL यार। और मैं आपको अगली न्यूज की तरफ बढ़ूँ तो LG का V30 कंफर्म हो गया है, जिसे ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें आपको 6 इंच की फुल विजन वाले डिस्प्ले मिलेगी जो कि OLED होगी। और इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 मिल सकता है, 18:9 भी मिल सकता है। और इसमें आपको कैमरा का अपर्चर f1.6 भी मिल सकता है, यानी कि आपको 6 इंच की OLED स्क्रीन मिल सकती है जो कि OLED पैनल बनाएगा LG। तो यार 30 अगस्त आने दो, सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, OLED मिलेगी या जो भी मिलेगी 6 अगस्त को सब चीज़ कन्फर्म होने वाली है। और ऐसा और लीक आया था कल भी कि डुअल कैमरा भी होने वाले, तो देखते हैं कौन सा लेंस होगा, f1.6 या f1.7। ठीक है, और मैं आपको अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ूँ तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 का लगभग स्पेक्स लीक हो गया है। बता जा रहा है कि इसमें आपको 6.3 इंच की क्वाड HD की स्क्रीन मिल सकती है। और LG V30 में भी आपको क्वाड HD+ की स्क्रीन मिलेगी जो कि LG G6 से पहले मिलती थी। और नोट 8 में आपको मिलेगी 6.3 इंच की क्वाड HD की स्क्रीन, एक्सिनोस का 8895 या स्नैपड्रैगन 835, यानी कि जो भी फ़ोन आ रहा है आपको अभी, LG का V30 हो, नोट 8 हो, जो भी हो, सब आएगा स्नैपड्रैगन के 835 के साथ। 12 MP का f1.7 वाला कैमरा और 8 MP का भी f1.7 वाला कैमरा जो कि हमको मिला था सैमसंग के गैलेक्सी S8 में। और आपको 6 GB की रैम, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, 33 mAh की बैटरी और इसका प्राइस हो सकता है ₹75,400। तो यानी कि अब देखते हैं 23 अगस्त को कब आएगा और 23 अगस्त को अच्छे से मालूम चल जाएगा। और यानी कि तो काफ़ी अच्छी बात है, खाली फटना नहीं चाहिए भाई, वरना फ़ोन तो ज़बरदस्त होने ही वाला है। और एच पेन भी मिल सकता है इसमें। ठीक है, और मैं आपको अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ूँ तो एप्पल का पे, यानी कि जैसे सैमसंग का पे था, अब एप्पल का पे भी आने वाला है। एप्पल का पे डेनमार्क फिनलैंड स्वीडन एंड UAE में इंड ऑफ, यानी कि डेनमार्क फिनलैंड स्वीडन और UAE में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसमें आपको एप्पल पे मिल सकता है इस ईयर के इंड तक, यानी कि 2017 के इंड तक इस सब कंट्री में आपको एप्पल पे का सपोर्ट मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है, जो जो यहाँ रहते हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, और मैं आपको अगली जगह बताऊँ तो सैमसंग का एक फ्लिप फोन आज चाइना में लॉन्च किया गया है। तो यानी कि इसका मॉडल नंबर है W2017 फ्लिप फोन। और इसकी में आपको, इसमें आपको दो डिस्प्ले मिलता है। तो इसकी मैं आपको स्पेस की बात करूँ तो इसमें आपको 4.2 इंच की दो डिस्प्ले मिलती है जो कि एस एमोलेड वाली है, फुल HD वाली। ठीक है, यानी कि दो स्क्रीन मिलता है 4.2 इंच का, स्क्रीन फोटो देख सकते हो, ऐसी फोटो है। और इसमें आपको बैटरी मिलती है 23 mAh की। और इसमें आपको 12 MP का f1.7 वाला कैमरा और 5 MP का कैमरा मिल सकता है, 8 MP का f1.9। इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 821 मिलता है जो कि 2.4 GHz पे क्लॉक्ड है। और इसमें आपको यानी कि एक फ्लिप फोन है जो कि सैमसंग का मॉडल नंबर इसका G29298, ये चाइना में आज अनवील्ड किया गया है। तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी से दिन से र्यूमर आ रहे थे कि सैमसंग का फ्लिप फोन अब आएगा तब आएगा, अब फाइनली ये चाइना में ऑफिशियल हो गया है। ठीक है, और मैं आपको अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ूँ तो मोटोरोला ने अपना 6 हब स्टोर लॉन्च किया गया है इंडिया में, जो कि पहली है यानी कि इंडिया में नोएडा मॉल में कोई लॉन्च किया गया था, नोएडा में, मुंबई में और काफ़ी सारा जगह लॉन्च किया गया है। यानी कि अब यानी कि ऑफलाइन स्टोर्स में भी मोटोरोला घुस रहा है जल्दी, तो काफ़ी अच्छी बात है जहाँ जहाँ स्टोर लॉन्च किया गया है वहाँ वालों के लिए, क्योंकि आप जाके पहले मोबाइल टेस्ट कर लो तब मोबाइल खरीद दो। ठीक है, और मैं आपको अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ूँ तो ओप्पो का एक R11 FC भी बार्सिलोना का एडिशन लॉन्च किया जा सकता है 7 अगस्त को चाइना में, यानी कि FC भी यानी कि बार्सिलोना जो फुटबॉल टीम है उनका एक एडिशन लॉन्च किया जा सकता है 7 अगस्त को। तो देखते हैं भाई, इंडिया ने चाइना लॉन्च किया गया, इंडिया में नहीं लॉन्च किया जाएगा, तो मैंने आपको बता दिया। और मैं आपको अगली जरा बनाऊँ तो स्काइप पे एक अपडेट आ गया है जिससे आपको पेपल का सपोर्ट बिगड़ा दिया गया है स्काइप में, यानी कि स्काइप पे आप
का जो नया अपडेट आया 21 कंट्रीज में, इसमें आपको पेपल यानी कि आप पेपल से सेंड मनी कर सकते हो स्काइप में। तो ऐसा एक अपडेट आया, इसको अपडेट आया वो अपडेट कर लेना, काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि आपको पेपल का भी सपोर्ट मिल जाएगा स्काइप में। और मैं आपको अगली जरा बताऊँ तो एक पेटीएम पे एक अपडेट आया, यानी कि कल ऑफिशियली अपडेट हुआ था कि आप अपने पेटीएम से भीम ऐप नहीं कि भीम ऐप है ना, भीम ऐप से आप कॉन्टैक्ट से डायरेक्ट पेमेंट कर सकती हो, और सिर्फ पेटीएम आ गया है कि आपको कॉन्टैक्ट की अपने फ़ोन की सिंक हो जाएगी कॉन्टैक्ट आपके फ़ोन से, और आपको जिसको पैसा भेजना हो आप उससे पैसा भेज सकती हो। तो एक सिंपल फ्यूचर है कि आपको नंबर टाइप करना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाओ और वहाँ पर सर्च करो तो आपको पैसा वहाँ से भेज दोगे, तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और मैं आपको अगले जो तरह बनूँ तो कार्बन का एक ऑरा नोट फोन लॉन्च किया गया है जिसमें आपको 6 इंच की एचडी स्क्रीन मिलती है, मीडिया टेक का MT6737, 2 GB की रैम, 16 GB की इंटरनल स्टोरेज, 8 MP का रियर कैमरा, 5 MP फ्रंट कैमरा, 3300 mAh की बैटरी, और इसकी प्राइस रखी है 7590 rupees। तो एक मल्टी मीडिया टाइप का बड़ा सा डिवाइस है, तो मैंने आपको बता दिया, मैं कुछ सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, और मैं आपको अगली सर बनूँ तो नोकिया 6 का सेल US में हो जाएगा कल से, यानी कि आज से सेल हो गया था US में, UK में सॉरी, यानी कि आप अगर UK में हो तो आप नोकिया 6 खरीद दो। पर इंडिया के साथ क्यों ना इंसाफ यार, इंडिया इतना ट्रस्ट करता है नोकिया पे, और इंडिया को मिलेगा यानी कि अभी एक महीना बाद मिलेगा 23 अगस्त को, UK में भी सेल यार, हद समस्या है इंडिया वालों की। और मैं आपको अगली सर बनूँ तो ज़ोमी सबसे लार्जेस्ट वियरेबल यानी कि वेंडर हो गया, यानी कि सबसे ज़्यादा वॉच बिके हैं, स्मार्ट बैंड जो होता है वो सबसे ज़्यादा ज़ोमी का बिका है, जो कि है मी बैंड 2, यानी कि काफ़ी अच्छा बहुत 3.2 मिलियन समथिंग बिका है ज़ोमी का मी बैंड 2। पहले एप्पल का था 2.9 मिलियन पर इस बार ज़ोमी का मी बैंड 2 ग्लोबली 3.2 मिलियन पीस बिका है, तो इंडिया में तो भाई मिलता नहीं है ग्लोबली, नहीं मालूम। और मैं आपको अगली उधर बनूँ तो उबर आज 500 मिलियन राइड्स कंप्लीट कर लिया इंडिया में, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है, तो 500 मिलियन राइड्स उबर ने कंप्लीट कर लिया है आज इंडिया में। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और मैं आपको अगली उधर बनूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है, यानी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का वेबसाइट हैक हो गया है आज। ठीक है, ऐसा नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का वेबसाइट हैक हो गया है, उस पर ऐसा डिस्प्ले हो रहा था कि इंडिया इंडिपेंडेंस डे का ग्रीटिंग्स ऑफर्ड ग्रीटिंग, यानी कि कोई इंडिया के हैकर ने उसे हैक किया है, और जैसे ही पाकिस्तानी का वेबसाइट उन्होंने खोला तो उस पर आपको इंडिपेंडेंस डे का लिखा हुआ मिल गया तो और उस पर लिखा रहा था NEOH4CK3R नाम का कुछ डिस्प्ले हो रहा था हैकर का, और इसमें आने को यानी कि इंडियन कोई किसी ने हैक किया पाकिस्तानी का वेबसाइट, पहले पाकिस्तानी ने इंडियन इंस्टीट्यूशन का हैक किया था, अब पाकिस्तान का गवर्नमेंट का ही वेबसाइट इंडियन के किसी आदमी ने हैक कर लिया, तो जैसे कुछ ऐसा। ठीक है, और मैं आपको अगली तरफ बोलूँ तो जियो का फोन साइज चाइना में बना सकता है, ऐसा एक यानी कि थे अमित भवानी फोन रेडार से, उन्होंने वीडियो बनाया था कि जियो का फोन चाइना में बन सकता है। अरे ऐसा फोन तो चाइना ही बनता है यार, प्रोसेसर बैटरी बैटर सब तो चाइना ही बनता है, सिर्फ इंडिया में असेंबल किया जाता है। अगर इंडिया में हर एक पार्ट बने तब ना हम लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, मेड इन इंडिया, पर सब पार्ट तो चाइना के आते हैं, तो लोग नहीं मालूम किस लिए रहते हैं, तो जो भी है। और मैं आपको अगली तरह बनूँ तो एंड्रॉयड ओ शायद नेक्स्ट वीक से आउट हो सकता है, यानी कि अपडेट में, जिसमें आपको गूगल का पिक्सल और पिक्सल एक्सल सबसे पहला फ़ोन है जिसको मिल सकता है ये एंड्रॉयड का ओ, यह शायद ओडियो होगा या ओटमील होगा या फिर ओटमील कुकी हो सकता है मे बी, अब देखते हैं वो कौन सा होगा, यानी कि 22 अगस्त से पहले कुछ उसका आ जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि एंड्रॉयड ओ आ जाएगा तो काफ़ी चलेगा। और तो दोस्तों ये यानी कि दोस्तों ये टेक्निक्स की बात, जो टेक्निक्स है मैं आपको बता दिया, तो काफी पावर पैक टेक्निक्स है 9 मिनट का। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ थम्स अप, इफ यू डिडंट वोट इट डाउन एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सो बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और मैं आपको डेब्यू अपडेट की बात करूँ तो J7 Max बताइए J7 Pro ऑन पेपर वीडियो मैं आपको कल दे दूंगा, यानी कि आज आपको रात तक या कल सुबह तक मिल जाएगी, जो कि ये वीडियो मैंने खुद से पेपर में बनाऊंगा, मैंने J7 Max कंपेयर किया है और J7 Max में चला रहा हूँ, और तो बताऊंगा। सो बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।